दोस्तों आईस नेटो का करेंसी मार्केट में आ चुका है और इसका बाई और सेलिंग भी शुरू हो चुका है। अगर आपको यहाँ पे ब्लॉकचेन पे आपका कन्वर्ट नहीं हुआ है, वॉलेट से आपका करेंसी पे कन्वर्ट नहीं हुआ है, तो आपको किस तरीके से ये करना है आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताई गई है। आपको स्टेप फॉलो करना है और आप आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक वॉलेट क्रिएट करना होगा। इसके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से आप क्लिक करके इस वॉलेट को क्रिएट कर लीजिए। साइनअप पर अपना ईमेल आईडी डाल के साइनअप पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट में सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे वेरीफिकेशन करना होगा, सिंपली 500 को ऐसे सेलेक्ट कर लेना है, जो आपको आएगा वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद वेरीफाई में क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको ईमेल पे एक कोड जाएगा, वो कोड को यहाँ पे आपको एंटर करना होगा। तो आप ईमेल से आपको यहाँ पे कोड दिखाई दे रहा है, ये आपको यहाँ से एंटर कर लेना है सिंपल से। उसके बाद वेरीफाई नाउ पे जाके यहाँ पे आपको इंडिया सेलेक्ट करना है, आपका फ़ोन नंबर यहाँ पे एंटर करना होगा। उसके बाद वेरीफाई नाउ में क्लिक करेंगे, ओटीपी आएगा, ओटीपी को यहाँ पे आपको एंटर करके नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपको सिंपली टिक मार्क देके नेक्स्ट करके कंफर्म कर लेना है। यहाँ से आपको एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपल से आपको यहाँ पे ले जाएगा, यहाँ से आपको डाउनलोड ऐप में क्लिक करना है। आपको यहाँ पे ऑप्शन शो नहीं कर रहे तो ऊपर 3 लाइन में क्लिक करके सिंपल से नीचे स्क्रॉल करेंगे तो डाउनलोड का ऑप्शन आ गया। डाउनलोड ऐप पे क्लिक करना है, ऊपर वाला ऑप्शन, वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका ऐप डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। डाउनलोड यहाँ से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड होना शुरू हो चुका है। डाउनलोड होने के बाद आपको सिंपल से इसको इंस्टॉल कर लेना है। ओके एक्स वॉलेट को आपको इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इस तरीके का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा, ये ऐप ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद आपको सिंपल लॉगिन पे क्लिक करना है, क्योंकि आपने साइनअप कर लिया है। अगर साइनअप नहीं किया तो साइनअप पे क्लिक करना है। उसके बाद क्रिएट वॉलेट में क्लिक करना होगा, उसके बाद दोबारा क्रिएट वॉलेट में क्लिक करना होगा। दोबारा से क्रिएट वॉलेट में क्लिक करने के बाद एनेबल पे क्लिक करेंगे, इसमें वेरीफिकेशन देंगे अपना फिंगरप्रिंट। तो यहाँ पे वेरीफाई करने के बाद आप सिंपल से आपको यहाँ पे लोडिंग होगा, वॉलेट की तरफ लोडिंग हो रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसको क्लोज कर दीजिएगा। उसके बाद मैनुअल बैकअप पे क्लिक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे बताया रहा है कि ये अगर आपने इसका कोड जो होता है सीक्रेट कोड होता है, उसका आपका पासकोड होता है, वो आपको भूलना नहीं है, कहीं पे लिख के रखना है, ये कभी रिकवर नहीं हो सकते, इसलिए आपको ध्यान देना है ये चीज़ को। उसके बाद सिंपली से आपको यहाँ पे कहीं पे आपको लिख के रखना है, कहीं स्क्रीनशॉट रखेंगे क्या रखेंगे, लेकिन प्राइवेट की को अभी भूलना नहीं है। फिर नेक्स्ट करके अपना वेरीफिकेशन दे देंगे, अपना फिंगरप्रिंट, नोटी डाउन लिखा है, टैप टू व्यू में क्लिक करके अपना प्रेस देख सकते हैं। देखने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ से सेलेक्ट करने के लिए बता रहा है आपको कौन सा दिया गया था, 3 में से 3 सेलेक्ट कर लीजिए अपना वाला। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो बैकअप हो चुका है। बैकअप होने के बाद आपको सिंपल से यहाँ पे रिफ्रेश मारना होगा। यहाँ पे एक्सचेंज के ऑप्शन में जाएंगे, अभी वॉलेट क्रिएट हो चुका है, अभी एक्सचेंज बनाएंगे हम। एक्सचेंज में जाने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर दिखा रहा है एक्सचेंज का ऑप्शन, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलाउ का ऑप्शन आएगा। उसके बाद सिंपल से आपको साइन अप लॉग इन का ऑप्शन दिख रहा है, वहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे वहाँ पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे क्रिएट अकाउंट के बता रहा है, लेकिन आपने आप ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है तो लॉगिन पे क्लिक करें। उसके बाद अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे दे दें, इंडिया सेलेक्ट करके फ़ोन नंबर देकर नेक्स्ट करें। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड देना होगा, अभी जो आपने क्रिएट किया था, पासवर्ड देकर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा देर लोडिंग होगा, उसके बाद आपको यहाँ पे एक वेरीफिकेशन आएगा, तो इसको सिंपल से स्लाइड करके आपको खाली जगह जो है ना वहाँ पर ले जाके इसको ऐसे रख देना है। फिर आपका वेरीफिकेशन यहाँ पे हो चुका है। ये होने के बाद आपको सिंपल से नेक्स्ट स्टेप में लेके जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्विचिंग लैंग्वेज, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा वेट कीजिए। उसके बाद ये सेव करने का ज़रूरत नहीं है, अगर सेव कर चाहते हैं कर सकते हैं। उसके बाद एनेबल पे क्लिक करेंगे या फिर स्किप करेंगे, आपका बात है, मैं एनेबल कर देता हूँ, ये एक सिक्योरिटी बता रहा है, तो SMS का ऑप्शन मैं चूज़ करता हूँ। सिंपल से सेंड कोड में आपको क्लिक करना होगा। सेंड कोड में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा वेरीफिकेशन छोटा सा, इसको भी आपको यहाँ पे ध्यान से देखना होगा। 3 जो इमेज दिख रहे हैं पहले इसमें और सेकंड में जो है उसमें क्लिक करेंगे, और थर्ड वाला जो है ऐसे आप ऑर्डर में क्लिक करके कंटिन्यू कर देंगे। ओके करने के बाद आपको यहाँ पर एक OTP सेंड हो गया है, वहाँ पर आपको OTP एंटर करना है, उसके बाद कन्फर्म करना है। उसके बाद अभी आगे जाके आपका वेरीफाई विथ
ये आ रहे हैं ना, इसमें आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। सिंपल से कंटिन्यू में क्लिक करेंगे, आपको थोड़ा देर लोडिंग लेगा, ये पास की आपका क्रिएट हो रहा है। उसके बाद आपको सिंपल से आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अभी आपको फाइनल में आपको अपना आइडेंटिटी वेरीफाई करना है, इसके लिए आपका आईडी वेरिफिकेशन चाहिए और सेल्फी चाहिए, कुछ पर्सनल डिटेल चाहिए। तो वेरीफाई में नाउ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको कोई भी आप एक आईडी सेलेक्ट करना होगा, यहाँ पे दिखा रहा है, उसमें से अब मैं आधार कार्ड का सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आप जो भी कर सकते हो अपने हिसाब से। सेलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट में क्लिक करना होगा। यहाँ से आपको अभी आपको अलाउ पे क्लिक करना होगा, उसके बाद स्टार्ट वेरिफिकेशन क्लिक कर देना है। जैसे स्टार्ट वेरिफिकेशन क्लिक करेंगे, आपका यहाँ पे आपका फ़ोटो कैप्चर करने के लिए बताया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रंट साइड का फ़ोटो यहाँ पे आपको कैप्चर करना होगा। ये देख सकते हैं यहाँ पे मेरा फ़ोटो कैप्चर हो चुका है। नेक्स्ट में क्लिक करेंगे और फ्लिप करके बैक साइड का फ़ोटो लेके नेक्स्ट करेंगे। अभी आपको यहाँ से एक सेल्फी लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ इसके लिए आप सिंपल नेक्स्ट करेंगे, अपना सेल्फी ले लेंगे। सेल्फी लेने के बाद आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगा, कैप्चर करने का ज़रूरत नहीं है, खुद कैप्चर करें। उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे आप। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है रिव्यूइंग, इसके लिए 2 मिनट जैसे टाइम लगेगा। आप बैक टू होम कर दीजिएगा, वहाँ पे जाके आप रिफ्रेश मारेंगे, ये आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो थोड़ा देर वेट कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आइडेंटिटी वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद आप सिंपल यहां से जाके डिपॉजिट का ऑप्शन जाएंगे, यहां पे जाने के बाद आपको सर्च करेंगे आइस, ठीक है। यहां से आपको आइस सर्च करना होगा। आइस सर्च करने के बाद ओपन करेंगे, यहां से आपका आइस का जो आइस बीएससी सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहां पे एड्रेस मिल गया है, अभी इसको कॉपी करना है। डिपॉजिट एड्रेस को कॉपी में क्लिक करेंगे, साइड में कॉपी का ऑप्शन है। क्लिक करने के बाद आपको अभी आइस ऐप को ओपन कर लेना है। आइस ऐप को ओपन करने के बाद आप यहां से क्लिक करेंगे, यहां के बाद आपको यहां से सिंपल वो एड्रेस को यहां से पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करके कंफर्म एड्रेस में क्लिक करेंगे, दोबारा कंफर्म कर देंगे और नीचे से ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो चुका है। आप देख सकते हैं यहां पे आपका एड्रेस फिल हो चुका है। अभी आपको वेट करना होगा, आपने अगर पहले ये करके रखे होंगे तो आपको मिल चुका होगा, अगर आपने ये नहीं किया तो अभी आपको नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन तक वेट करना होगा। उसके बाद आपका वॉलेट में ऑटोमेटिक ये ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। आपको अभी करना कुछ नहीं है, रेगुलर आपको माइनिंग करते रहना है। आगे जो स्टेप जो फॉलो करने होंगे, आगे जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको देते रहूँगा। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना होगा, तभी आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस नहीं करेंगे। तो इसी तरीके से आपको कर सकते हैं, चैनल में नहीं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे का अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है सबसे पहले। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए देखते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, जिन लोगों ने आइस का इंस्टॉल कर रखा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।